नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने ही YouTube चैनल पे। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप, और दोस्तों आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेकर दोस्तों आया हूँ जिससे आपका ढेर सारा प्रॉफिट बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं उसके बारे में जिससे आपका ढेर सारा प्रॉफिट बनेगा। दोस्तों अगर आप सोच रहे बुलेट बाइक लेने के बारे में, तो दोस्तों आपको मैं बताऊँगा, अगर आपको बुलेट कंपनी ही मिल जाए उतने पैसे में जितने में आप क्या खरीदने वाले हो, बाइक खरीदने वाले हो, बुलेट बाइक खरीदने वाले हो, रॉयल इनफील्ड खरीदने वाले हो, तो दोस्तों तो आपको थोड़ा शौक ज़रूर लगेगा, क्योंकि उतना ही पैसा आपको जितना आप बुलेट में लगा रहे हो कैपिटल, उतना ही पैसा आपको 60 या 90 दिन में वापस मिल जाएगा। मतलब आप डबल बुलेट खरीद सकते हो उसी पैसे में, अगर आप उस कंपनी में पैसे लगाते हो। तो दोस्तों जानेंगे बुलेट कंपनी कौन सी है जिसके कारण हमारा ज़्यादा पैसा बनेगा। तो दोस्तों बुलेट रॉयल इनफील्ड कंपनी है, और ये रॉयल इनफील्ड कंपनी है किसकी और ये प्रोडक्ट है किसका, उसके बारे में जानेंगे जिसके कारण आपका ढेर सारा प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि दोस्तों एक बुलेट नहीं खरीदी करनी, आपको दो या तीन बुलेट खरीदनी करी हो तो इस कंपनी के आप मालिक बन जाइए, या एक तरह से आप इसके शेयर होल्डर बन जाइए, जिससे आपका ढेर सारा प्रॉफिट बन सकता है। जानेंगे उसके बारे में किस तरह हमारे इसमें प्रॉफिट बनेगा। सर अभी हम तो बात कर रहे थे बुलेट के बारे में, तो आपने लेके आया एशियन मोटर्स के पास। तो दोस्तों आपको बता दे जो रॉयल इनफील्ड है दोस्तों वो अंडर काम करते हैं एशियन मोटर्स के, और रॉयल इनफील्ड जो बाइक बनाती है बुलेट उसका प्रोडक्ट है एशियन मोटर का। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि अभी हम बात करने वाले हैं एशियन मोटर के बारे में, जो कि ताकत एक शेयर है। तो दोस्तों अगर आप जितना पैसा बुलेट खरीदने में लगा रहे हो, बुलेट बाइक खरीदने में लगा रहे हो, उतना पैसा आप अगर यस शेयर मार्केट में लगा दोगे, तो दोस्तों डेली आप 3,000 से 4,000 के मालिक बन जाओगे। तो चलिए दोस्तों आपको समझाता हूँ किस तरह से आप इसमें ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और क्यों इस शेयर की जो आने वाली प्राइस है ये अलग ही प्राइस लेवल दिखा रहा है, जिसके कारण आपका ढेर सारा प्रॉफिट बन सकता है, या फिर आप शायद करोड़पति भी बन सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए समय को व्यतीत नहीं करेंगे और टेक्निकल चार्ट पे जाके समझेंगे किस तरह से टेक्निकल चार्ट दिख रहा है एशियन मोटर का, किस तरह से आने वाले टारगेट है, किस तरह से हम बाइक खरीद सकते हैं बुलेट की। दोस्तों हम अभी आए टेक्निकल चार्ट पे एशियन मोटर के, और वहाँ पे समझेंगे किस तरह से हमें यहाँ पे चाल नज़र आ रही है एशियन मोटर की, जो कि हमें बुलेट लेने में मदद करने वाली है। तो दोस्तों समय को व्यतीत नहीं कीजिए और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको ढेर सारा प्रॉफिट बनाने का है। जो मार्केट में उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है वो मेरे चैनल से आपको मिल सकती है। तो थैंक यू दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो। तो दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और चलिए अभी बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में। दोस्तों टेक्निकल चार्ट देखिए किस तरह से अच्छा बना हुआ है, और यहाँ पे एक सीधी सी बात है, मगर दोस्तों ये टेक्निकल चार्ट दिख रहा है 2,877 रुपये पे। आज भी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ के मार्केट ने यहाँ पे पुलिस सिग्नल दिया है कि आने वाले समय में ये शेयर बड़ी तेज़ी से दौड़ने वाला है। क्यों दौड़ने वाला दिखे दोस्तों, इसका जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट रहा था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद ये 2,687 रुपये का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद शेयर ऊपर चला गया है। लगभग 200-250 पॉइंट ऊपर चढ़ने के बाद ये थोड़ा शेयर खुद को सस्टेन करने के लेवल पे कोशिश कर रहा है, और यहाँ से ये शेयर अगर ऊपर बढ़ता है तो दोस्तों ये आपको कौन से लेवल लेके जा सकता है। तो थोड़ा सा पास्ट में भी जाएगा, पास्ट में भी जानेंगे कि इसके जो लेवल थे वो क्या थे। तो देखिए दोस्तों मैं अभी बात करने वाला हूँ ये सितंबर मंथ की। ये सितंबर मंथ कौन सा है दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है कि ये सितंबर मंथ है 2020 का, यानी आपको समझ में आया होगा 2020 ये कौन सा साल रहा दोस्तों, सबसे बुरा साल सबके लिए रहा होगा, क्योंकि इसमें 19 जो आया था, कोविड-19 जो आया था उस पर उसने बहुत सारे लोगों पे प्रभाव डाला था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया मार्केट में। दोस्तों डरिए मत, इसमें आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा, जिसके कारण आप कभी ये नहीं सोचेगा कि ये इसे शेयर मुझे नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होगा ज़रूर, और आपको ढेर सारा प्रॉफिट देगा भी ज़रूर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसमें आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इसे पिछले चार्ट की बात की जाए दोस्तों, इसने अभी तक के चार्ट में ये देखिएगा कौन सी लेवल हासिल की थी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। उसके लाइफ टाइम की बात की जाए तो लगभग इसने मार्केट में 32,000 का जो हाई दोस्तों वो लगा दिया था, और लाइफ टाइम हाई था दोस्तों उसका 32,000 का। उसके बाद दोस्तों ये शेयर बड़े ही लेवल बनाने के बाद थोड़ा नीचे आया, और देखिए यहाँ से उसने एक खुद के लेवल को स्प्लिट कर दिया और मार्केट नीचे चला आया।
तो मार्केट नीचे चला आया। तो ये दोस्तों क्या होता है, देखिए मार्केट ऐसे नीचे आता है तो लोग में पैनिकनेस आ जाता है कि अरे इतना बड़ा शेयर था नीचे आ गया। देखिए दोस्तों एक लेवल पे जाके मार्केट को एक तो बायबैक करना होता है, नहीं तो डिविडेंड देना होता है, नहीं तो बोनस शेयर देके उस शेयर के वैल्यू को कम करना होता है। यही काम यहाँ पे एशर मोटर ने भी किया, जिसके कारण इसका जो 32,000 का वैल्यूएशन था वो सीधा आ गया 1,000 रुपये पे। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं, इसने तो एक तो स्प्लिट किया होगा, नहीं तो बोनस दिया होगा, नहीं तो डिविडेंड दिया होगा। इसमें से आप अनुमान लगा सकते हैं इसके बाद इसका प्राइस वैल्यूएशन कम होता है। तो देखिए यहाँ से प्राइस वैल्यूएशन कम होने के बाद यह मौका बना है क्या? तो डेफिनेटली दोस्तों एशर मोटर एक बड़ी कंपनी, जिसके कारण यहाँ पे आपको बड़ा मौका मिला है। अगर आप इसमें 10,000 भी इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, यानी कि 5 शेयर भी लेते हो, तो ये 5 शेयर आपको कितना तगड़ा रिटर्न देंगे दोस्तों, उसको मैं आपको कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा। अगर आप दोस्तों इसमें सोच रहे मैं 20,000 डालू, तो 20,000 का भी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। अगर दोस्तों आप सोच रहे जितने की मैं बुलेट ले रहा हूँ उतने पैसे मैं इसमें डाल दूँ, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ढेर सारा प्रॉफिट बना के मैं दिखा सकता हूँ, और किस तरह बनेगा ये भी दिखाऊंगा, पर डे के हिसाब से बनेगा वो भी दिखा दूंगा। तो चलिए थोड़ा समझते हैं उसका कैलकुलेशन को, किस तरह से इसमें हमें प्रॉफिट दिखेगा। मगर दोस्तों उसके पहले आपको बता दूँ इसके आने वाले टारगेट क्या है। तो दोस्तों डरिए मत, चौंकिए मत, क्योंकि जितने भी टारगेट मैं आपको बताता हूँ पूरे स्टडी के साथ में मेरी टीम काम करती है, और उसके साथ में आपको ये चीज मिलती है जाके टारगेट निकलता है। दोस्तों इसका आने वाला टारगेट है 11,000 रुपए। तो दोस्तों ये ख्याली पुलाव नहीं है, 11,000 रुपए एक प्राइस आपको मिलेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने इंडिया इंटर मार्च में कहा था कि ये शेयर आपको 4,000 का मिल रहा था, दोस्तों ये डबल वैल्यूएशन वाला शेयर है, एमआरएफ की तरह ये शेयर है। दोस्तों ये भी शेयर उसी तरह का है, जितनी बड़ी कंपनी है उससे अच्छा है, उसके प्रॉफिट रेशो आते हैं, जिसके कारण इनके पास लिक्विडिटी होती है, जिसके कारण इसके पास रिजर्व ज़्यादा होते हैं, प्लॉगिंग प्रॉफिट ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्ट हो जाते हैं इन्वेस्टर, जिसके कारण यहाँ पे जो टेक्निकल है और जो फंडामेंटल कंपनी पूरी स्ट्रांग दिखती है। तो देखिए अभी 2,870 रुपये की कंपनी है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों 11,000 रुपये का आने वाले समय में टारगेट है। दोस्तों अभी ये पूछोगे दोस्तों कि ये कितने समय में, तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म का होरिजोन है, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप 3,000 भी इन्वेस्टमेंट करोगे दोस्तों, तो 1 या 1.5 साल में आपको ये 10 या 11,000 के टारगेट आराम से मिल जाएंगे, जिसके कारण आपका पैसा बढ़ता हुआ दिख सकता है। दोस्तों चैलेंज करता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी कंपनी इतनी बड़ी लेवल नहीं दिखा सकती जितनी बड़ी एशर मोटर दिखा रही है। दोस्तों अगर आप बैंक में पैसा रखना चाहते हैं तो कई बार सोच सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो शेयर है आपको फ्री कॉस्ट में मिल रहा है। जैसे कि 32,000 का शेयर है दोस्तों, 2,000, 3,000, 2,500 में मिल रहा है, तो उसको लेने में हर्जी क्या है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन को समझिएगा किस तरह से हमें इसमें वैल्यूएशन दिख रहा है। अगर आप दोस्तों इसमें 1,24,000 की बुलेट लेना चाहते हो, तो दोस्तों अभी शेयर का प्राइस चल रहा है मान के चलिए 2,877 रुपया है, तो हम मान के चलेंगे 3,000 रुपये इसका प्राइस। और आपको शेयर कितने मिल रहे हैं उसमें, तो दोस्तों आपको शेयर मिल रहे हैं 41, और ये चल के बनते आपके 5,000 प्राइस वैल्यूएशन का शेयर बन जाता है। तो दोस्तों आप कितना पैसा बन गया, आपका बन गया 2,05,000 रुपया। दोस्तों अगर 2,05,000 रुपया कुछ ही दिनों में अगर बन जाता है दोस्तों, 2,000 रुपये से शेयर बढ़ता है दोस्तों, बढ़ेगा ज़रूर, क्योंकि उसमें दमखम उतना है। अगर आप सोच रहे 2,000 बढ़ रहे, तो दोस्तों 41 पे कितना बढ़ रहे, देखिए 41 की जो शेयर है दोस्तों उसमें 2,000 बढ़ता है तो आपको 82,000 मिल जाता दोस्तों। तो ये महीना भर में भी हो सकता है या 2 महीने में भी हो सकता है, मगर दोस्तों लॉन्ग टर्म का टारगेट 11,000 है। तो अभी देखिए दोस्तों 11,000 टारगेट है, तो 11,000 के हिसाब से भी बात की जाए तो अगर आपने 41 शेयर भी ले लेते दोस्तों, 4,51,000 आपके बन जाएंगे। उसमें से अगर आप 3,000 का पहला वैल्यूएशन माइनस करोगे दोस्तों, आपके पास कितने बच जाएंगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए 11,000 माइनस 3,000, तो दोस्तों आपके पास 8,000 बच जाएगी, और 8,000 के वैल्यूएशन के साथ में बात की जाए तो 3,28,000 रुपये आपके बन जाएंगे जस्ट दोस्तों आपके 1,24,000 में। इतना बड़ा रिटर्न अगर कोई देता है तो दोस्तों लो ज़रूर, अगर ऐसा रिटर्न मिलने वाला है तो मैं ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा। अगर आप सोच रहे तो डेफिनेटली इसमें सोचिए, एक नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं 100 बार सोचने के बाद इसमें अपना पैसा लगाइए। तो दोस्तों इसका कुछ फंडामेंटली बातें जानते हैं। फंडामेंटल सर दोस्तों इसके आने वाले टारगेट लॉन्ग टर्म के मैंने 11,000 बताया, तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट अचीवेबल है और डेफिनेटली आपका पैसा ज़रूर बनेगा। तो चलिए इसके फंडामेंटल चीज़ें जानते हैं। कुछ कंपनी के बारे में जानना है तो डेफिनेटली हमें जान के ही प्रॉफिट ज़्यादा होता है। देखिए द कंपनी इज इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन टायर 2 सिटीज़ में
विद अ स्मॉल स्टोर फॉर्मेट द रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट शुड कम बैक वंस इकोनॉमिक रिकवरी पिक पीस। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि शेयर में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली, क्योंकि इसके जो आने वाले समय में इकोनॉमी रिकवरी कर जाती है तो आपका यहाँ पे ढेर सारा प्रॉफिट बनते हुए हमें देख सकता है। दिसंबर मोटरसाइकिल सेल्स लुक बियॉन्ड द नंबर्स, ये देखिए मैंने टाटा मोटर्स में भी बात कही थी, अशोक लेलैंड में भी बात कही थी, और यहाँ पे भी बात कहूँगा कि टाटा मोटर्स जैसे ही हमें यहाँ पे इनके तगड़े रिटर्न्स या फिर हमें सेल्स भी देखने मिलेगी। दिसंबर मोटर्स साइकिल सेल्स वर बेटर देन एक्सपेक्टेड, प्रीमियर बाइक सेल्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस टू बूथ कंज्यूमर एंड डीलर्स, हायर सेल्स इन डिसंबर इंडिकेट दैट लिक्विडिटी इन सप्लाई चेन ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर विच हैड बीन अंडर स्ट्रेस फॉर लॉन्ग माइट बी इम्प्रूविंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का अगर वर्ड आता है तो डेफिनेटली ये शेयर इम्प्रूवमेंट करते हुए हमें दिखेगा। तो सुपर प्रीमियम कैटेगरी सेकेंडरी सेल्स, सुपर प्रीमियम बाइक सेगमेंट अबव 350 cc हैज़ अ हाई टर्न ओवर इन द सेकेंडरी सेल मार्केट। देखो दोस्तों, 350 cc अगर आपको मालूम है तो ये बुलेट कैटेगरी में आता है, और बुलेट रॉयल इनफील्ड शेयर बड़ी तेज़ी से बिक रहा है। तो दोस्तों, ये कंपनी का एक इतना बड़ा एक हिस्सा है जो कि प्रॉफिट सेगमेंट है कंपनी का, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी बनाती है। देर आर नो बींग एन अंडरग्राउंड मार्केट, देर आर नो ऑफिशियल नंबर थ्रू फर्स्ट साइन ऑफ अ रिकवरी विल कम फ्रॉम इंक्रीज ट्रांजेक्शन सम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पाले में जाती है। क्वार्टरली टॉप लाइन परफॉर्मेंस, अभी क्वार्टरली जो टॉप लाइन परफॉर्मेंस उसके बारे में बात होनी है, तो क्वार्टरली रिजल्ट भी आ रहा है। कंपनी विटनेस क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ 139.55% विच इज़ द हाइस्ट इन द लास्ट 3 years। तो दोस्तों, 3 years में इनका जो रिटर्न है क्वार्टर टू क्वार्टर 139.55, वो इस साल में बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है। और पी की बात करें तो 71 का पी ईयर ईपीएस 39.93 का है, और जो कि कैपिटल की बात की जाए, मार्केट कैपिटल 78,342.99 करोड़ का है। मार्केट कैपिटल के रैंक की सबसे बात की जाए तो 4th rank है दोस्तों इसका, और अभी तक का जो 52 weeks का हाई है दोस्तों 39.49 का मारा हुआ है, और लो की बात करें तो 1245 का है। तो दोस्तों, आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया इसमें हमें रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं, जो कि आप हमेशा चाहते हैं। तो देखिए, अभी मार्केट में 5 years के रिटर्न 68.12% के, जो कि और अच्छे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आपको शेयर अपने पोर्टफोलियो में चाहिए तो इसको आपको खरीदना पड़ेगा। अगर खरीद के मिल रहा है तो दोस्तों, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में ले लूँगा, जिससे मेरा ढेर सारा प्रॉफिट बनने वाला है। अगर दोस्तों, मेरे 2 रुपये की चीज़ अगर 10 रुपये या फिर 11 रुपये की बन रही है, तो मेरा प्रॉफिट देखिए कितना बन रहा है। यहाँ पे 9 रुपये का मार्जिन मुझे मिल रहा है दोस्तों। 9 रुपये का अगर प्रॉफिट मार्जिन अगर किसी चीज़ में मिल रहा है तो दोस्तों, वो मिलेगा आपको ऑनली ऑनली शेयर मार्केट में। और आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसे बढ़िया क्वालिटी शेयर्स, बढ़िया क्वांटिटी शेयर्स आपको लेने चाहिए, जिससे आपका प्रॉफिट ज़रूर बनेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।